शारदा चिटफंड घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद संजय बोस की हुई गिरफ्तारी। सीबीआई ने इस मामले में टीएमसी सांसद से की थी पूछताछ। उच्चतम न्यायालय ने स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में जर्मन ना पढ़ाए जाने पर केंद्र को दिया नोटिस। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्पष्ट किया, तीसरी भाषा के रूप में केवल भारतीय भाषा ही पढ़ाई जाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा झटका। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक एमएस धीर भाजपा में शामिल हुए, वह पिछली दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष थे। एमएस धीर के भाजपा में शामिल होने पर आप नेता आशुतोष ने कहा कि उन्हें इस बार विधानसभा का टिकट न देने की जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीन देशों की यात्रा को बेहद सकारात्मक और सफल बताया। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि पूरी दुनिया भारत को काफी उम्मीद और सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देख रही है। झारखंड के डाल्टनगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा के दौरान राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और वंशवाद पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि लोगों को राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर बाढ़ के बाद राहत कार्यों में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के वक्त राज्य में सबसे ज्यादा विकास हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने के समारोह की कानूनी मान्यता नहीं है। अदालत ने कल होने वाले समारोह पर रोक लगाने से इनकार किया। मादक पदार्थों की कथित तस्करी के मामले में सुनाई गई मौत की सजा माफ किए जाने के बाद श्रीलंका से रिहा हुए तमिलनाडु के 5 भारतीय मछुआरे आज चेन्नई पहुंचे। हवाई अड्डे पर इनकी अगवानी कई मंत्रियों ने की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्वोत्तर के छात्रों पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि इस मामले पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड उछाल। सेंसेक्स 267 अंक की छलांग के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 28,335 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 75 अंक बढ़कर 8,477 पर बंद हुआ। टाइम पत्रिका ने भारत के मंगलयान को साल 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया। पत्रिका ने इसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि बताया जो भारत को अंतरग्रहीय अभियानों में पांव पसारने का मौका प्रदान करेगी। पत्रिका ने मंगलयान को द सुपरमार्ट स्पेसक्राफ्ट की संज्ञा दी। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की मांग के बाद बॉक्सिंग इंडिया सरिता देवी के पति तोइबा और कोच मितेय को कारण बताओ नोटिस जारी करने वाली है। नोटिस के जरिए मेडल सेरेमनी के दौरान उनके द्वारा किए गए हंगामे पर जवाब मांगा जाएगा। हांगकांग ओपन सुपर सीरीज में तीसरी वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल का सफर क्वार्टर फाइनल में थमा। उनका सामना चीनी ताइपे की छठी वरीयता प्राप्त ताई जू जिंग के साथ था। इस मुकाबले को जिंग ने आसानी से 21-15, 21-19 से अपने नाम करने में कामयाबी पाई। एन श्रीनिवासन ने उच्चतम न्यायालय से उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बहाल करने का किया अनुरोध। श्रीनिवासन ने कहा कि मुद्गल समिति की रिपोर्ट में उनके खिलाफ आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है।